नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब महज एक महीना बाकी रह गया है। ऐसे में नेता अलग अलग सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सांसद और हरियाणा के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कैथल से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। सुरजेवाला ने कैथल विधानसभा से पोस्टर के जरिए अपनी दावेदारी को पेश किया है। इस पोस्टर में खास बात यह है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के पोस्टर में उन्हीं का फोटो लगा है, उनके बेटे आदित्य का नहीं। इसका मतलब साफ है कि सुरजेवाला पार्टी आलाकमान तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कैथल से वह खुद ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन इस पोस्टर में रणदीप सुरजेवाला को छोड़कर परिवार के किसी भी सदस्य का फोटो नहीं है। इससे ये साफ हो गया है कि कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारने के बजाय खुद ही इस सीट से चुनावी ताल ठोकने की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शहर के चौक चौराहों पर मेरा काम मेरी पहचान के अपने फ्लैक्स लगवाए थे। कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए 6 आवेदक हैं, लेकिन किसी ने भी पोस्टर नहीं लगाए हैं। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अभी ये देखना बाकी है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस हरियाणा में विधानसभा का चुनाव का टिकट देती है या फिर नहीं, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने अपने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस सांसदों को चुनाव लड़ने से ज्यादा चुनाव जिताने पर फोकस करना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या कांग्रेस एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी करिश्मा कर दिखाती है और बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने में कांग्रेस कामयाब होती हुई नजर आएगी? ये तो सिर्फ विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।